सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो बुक लेके आए आपके सामने, वो जेई के लिए, जेई मेंस एडवांस एंड नीट किसी के लिए बोल लो, काफ़ी अच्छी बुक है। स्कॉलर्स फिजिकल केमिस्ट्री बाय पी बहादुर। आई होप आप सब ने इस सर का नाम सुना होगा। चलो आज इस बुक के बारे में रिव्यू करते हैं। इस बुक का जो लेआउट है वो थोड़ा काफ़ी बोरिंग टाइप है, हो सकता है कि बहुत पुरानी बुक है ये वो, बट अंदर कंटेंट इसका बहुत अच्छा है। जैसे कि ये देखो, इसका स्टार्टिंग पेज है, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रीफेस टू 12th एडिशन। 12th एडिशन है, सेने पर प्रीफेस बताया पुराने पुराने बुक के बारे में उन्होंने। फिर उसके ये देख ही रहे, उसके बाद प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट। अगर आप ये बुक सॉल्व कर ले रहे तो नीट के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आपको ये बुक डिफिकल्ट लग रही है तो आपका रिलेवेंट बुक आपके लिए ये रखता है, प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स फॉर नीट, बिकॉज नीट में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था एज़ कम्पेयर टू जेड। हाँ, जेड वन तो भाई बहुत कुछ टफ क्वेश्चन होता है एज कम्पेयर टू नीट, बट स्टिल। उसके बाद जो है ये पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जो मेजरली बुक्स में नहीं होता, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें कि इन्होंने सामने दिया हो, जब आप कभी बुक खोलते हो तो कुछ पहले पीरियोडिक टेबल दिखा, आपको याद हो जाए। जैसे मुझे याद है, हलीना ना कर रब से फरहत, बेटा मांगे काश कुटे, बाप राजी, साइंस टीचर विंदा कुमारी। आई गेस सब ने इस तरह याद किया, अगर अलग तरीका याद करने का तो गुड, बट याद करना पड़ेगा इस चीज़ को। अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। इसका जो थियोरी है वो आप देख सकते हो, इतना खास एक्सप्लेन है नहीं, थियोरी खास एक्सप्लेन नहीं है सच्ची में इसके बुक के, ये डीमेरिट है। बट थियोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइक इससे अभी हमने ये यहाँ पे देखा कि व्हाट इज मोल एवोगैड्रो नंबर के बारे में जो है, इसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दिए हुए, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है। मतलब इसी का अगर डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन के थ्रू, कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो क्वेश्चन क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन है काफ़ी अच्छे से। उसका ग्राम मोलर मास, उसके ऊपर इतने क्वेश्चंस हैं अलग से, लाइक सॉल्व एग्जांपल्स इसने इन्होंने इतने अच्छे से दिए हुए, इतने अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस जो बोलते हैं वो दिए हुए इसने, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो इसमें लाइक काफ़ी 17, अभी तक तो कितने हैं, 24 सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए। इसी तरह जाते हुए एक जो चैप्टर में है, सर ने अराउंड कितना, डबल डाइट्रेशन अराउंड 70-80 जो है सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ, 79 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एक चैप्टर में 79 ऑलमोस्ट, मतलब इतना तो इससे किसी इंस्टीट्यूट में क्वेश्चंस होते हैं कि 79 क्वेश्चन से सॉल्व कर लो, दैट्स इट। इन्होंने इतना सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं ताकि आप इतने कुछ इसको इसको अगर आपको पढ़ना है ना इस बुक को, तो पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इसके सब क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होगा। फिर इसके बाद आते हैं ये जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये वो हो गए जो प्रीवियस IITs में आया करते थे, मतलब जिसमें ऑप्शन नहीं हुआ करता था, इस टाइप के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बोलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अराउंड उन्होंने कितने 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, 100 के ऊपर है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद उसके सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चन इसमें किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सॉल्यूशंस, तो मेरे हिसाब से बुक काफ़ी अच्छी। उसके बाद आता है सेल्फ असेसमेंट, इसमें भी ऑलमोस्ट नंबर सब्जेक्टिव है जिसमें आंसर्स दिए हुए हैं, इसमें भी अराउंड 107 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है वन का आंसर करें, जो कि आप ढूंढ रहे होगे ऑब्वियसली कि इस बुक में भाई जब जेई के रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है तो क्या मतलब। तो ये लो भाई, सिंगल आंसर करेक्ट जो जेई मेंस रिलेटेड होते हैं। इसमें भी उन्होंने लेवल वन लेवल टू बना रखा है, लेवल वन आई गेस ना इसमें नहीं है, इसमें पूरे 112 क्वेश्चन। ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ जेई मेन से रिलेटेड है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन जेई मेन से पूछा जाता है, ऐसे रेशियोज एंड ऑल ये सब, तो जेई मेन से, जेई मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आता है इनका जो लाइक काफ़ी अच्छा सेक्शन है, जे एडवांस सेक्शन है जो ये मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट जो जे एडवांस से पूछा जाता है। उसके बाद आता है इसमें सिंगल इंटीजर, देन फिर कॉम्प्रेंसिव जो कि जे एडवांस से पूछा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग, उसके बाद बस दैट्स इट, इतना उसका सॉल्यूशन है इसके बाद। मतलब हर क्वेश्चन जो पूछा गया उसका मैंने इन डेप्थ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है।
उसके बाद आता है स्टेटमेंट असर्शन, स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप, ये अक्सर पूछा जाता नहीं है बट स्टिल उसका ट्रू फॉल्स, ये एक चैप्टर है। उसी तरह सेकंड चैप्टर, तीन चैप्टर से सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं। इसकी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं, थ्योरी के लिए मैं सबसे ये क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी इतनी होती भी नहीं है जितना न्यूमेरिकल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसका जो लास्ट का जो पार्ट है ये हमारा जैसे आईआईटी जेई पेपर मॉडल, पेपर जैसे ना आईआईटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के ना मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं, अराउंड 10-20 10-15 पेपर्स दिए हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। दैट वॉज द रिव्यू ऑफ दिस बुक। आई होप आपको अब तक तो समझ आया हो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, बिकॉज अगर आपके पास बुक है कोई और, तो अगर आपको लगता है बुक सही है तो आप इस बुक को ना लो तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। बस बुक लेने से मतलब नहीं है, उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इस बुक को ले रहे हो, ये बड़ी बुक को, अपने पापा या मम्मी का पैसा वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट नहीं यूज़ कर रहे हो, तो उसको यूज़ करो। अगर आप यूज़ नहीं करोगे इस बुक को, पढ़ोगे सॉल्व नहीं करोगे, तो वो वेस्ट होना ही है। मैं ये नहीं बोलूँगी आप बुक लो एकदम, ये इसके बिना कुछ होगा नहीं, बट अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो इस बुक को आप श्योरली सोच सकते हो फॉर आईआईटी या जेईई मेंस के प्रश्न के लिए। सो गाइस, दिस वॉज द रिव्यू ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पी बहादुर। अगर आपको स्टिल इस बुक में कोई डाउट है कि आपको क्या नहीं समझा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप किसी और बुक के बारे में जानना है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरे ईमेल आईडी पे बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करो। और अगर आपको और बुक्स के बारे में जानना है तो आप मेरे इतना यूट्यूब में जा सकते हो, मैंने काफ़ी एनडी के ऊपर भी बनाए हुए हैं। और अगर आपको किसी और कॉम्पिटिशन के बारे में जानना है तो प्लीज़ बताइएगा। टिल देन पढ़ते रहो बस।